कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को भूल भुलैया 2 के बाद माना गया कि ये बेस्ट जोड़ी है और इनकी केमिस्ट्री ऐसी है जैसे काजोल और शाहरुख खान की केमिस्ट्री है, और इसी केमिस्ट्री के दम पर सत्य प्रेम की कथा को भुनाने की कोशिश की। कल ईद के दिन इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर जो भी सोशल मीडिया पर रिव्यूज थे, रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे और सब ने फिल्म को अच्छा बताया, कहा कि कहानी में इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक अलग तरह की ये लव स्टोरी है। हालांकि बात करें कलेक्शंस की तो रिव्यूज और कलेक्शंस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाते नजर आ रहे हैं। फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं लेकिन कलेक्शंस जो है वो इतने खास नहीं है। कियारा और कार्तिक आर्यन इन दोनों ने इससे पहले भूल भुलैया 2 में काम किया और वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। भूल भुलैया 2 के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो उस फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, लेकिन कार्तिक आर्यन और कियारा इस बार ये आंकड़ा पाने में असफल नजर आए हैं, क्योंकि सत्य प्रेम की कथा को पहले दिन बेहद कम कलेक्शन मिला है। 9 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने पहले दिन किया है, जिसे अच्छा बिजनेस नहीं कहा जा सकता है लेकिन बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। खैर, अभी फ्राइडे, सैटरडे और संडे के कलेक्शंस आने बाकी है। ये देखना होगा कि इस वीकेंड पर ये फिल्म कैसी कमाई करती है। फिल्म को रिव्यूज अच्छे मिले हैं, पसूरी गाना बनाकर भी फिल्म का बस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बारिश होने के बावजूद कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन प्रमोशन से पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने बहुत जोर शोर से इस फिल्म को प्रमोट किया है। उसे देखते हुए ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। थिएटर्स में रिलीज के पहले दिन कुछ खास ऑक्यूपेंसी नहीं रही है।